नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मेरे यानी किरण बैरागी के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। निमरानी में किया विवेक देवराय का पुतला दहन, देशद्रोही घोषित करने की मांग। कसरावत जिले की तहसील के ग्राम निमरानी में नेशनल हाईवे पर स्थित अम्बेडकर पार्क में बुधवार को दोपहर 4 बजे संविधान को मानने वाले अनुयायियों द्वारा विवेक देवराय मुर्दाबाद, न गीता से चलेगा न कुरान से देश चलेगा, सिर्फ संविधान से चलेगा, जय भीम आदि नारों के साथ विवेक देवराय का पुतला दहन किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए रवि रोकड़े ने बताया कि 17 अगस्त को विवेक देवराय ने अपने लेख में कहा कि देश का संविधान पुराना हो गया है, उसे बदलना चाहिए। इस बात को लेकर आज अम्बेडकर पार्क में उसका पुतला दहन किया गया। आज अपने पुतला दहन किया, क्या है पूरा मामला? ये कुछ दिनों पहले विवेक देवराय द्वारा एक अपने लेख में लिखा गया था, संविधान बदलने की बात कही गई थी कि जो हमारा संविधान जो चल रहा है वो संविधान पुराना हो गया है, और विवेक देवराय द मिंट में एक उनके अनुसार लेख लिखा गया था। तो हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और विवेक देवराय को जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं वो उनको देशद्रोही घोषित किया जाए। आज इसी के उपलक्ष्य में हमने विवेक देवराय का पुतला दहन करा, और यहाँ बाबा साहब के संविधान को बचाने एवं बाबा साहब के संविधान के अनुसार सभी वर्ग, सभी समाज एवं सभी धर्मों को एक समानता का अधिकार है, और ये देश चलेगा तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान से, इस विवेक देवराय से कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन आज हमने एक आक्रोश में उनका विरोध प्रदर्शन करा है और उनका पुतला दहन करा है। क्या नाम आपका? रवि रोकड़े।